मातोश्री रमाबाई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं पुणे नगर पालिका और पुणे की समस्त जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं बापट जी से पूछ रहा था कि क्या हिंदुस्तान में ये पहली प्रतिमा है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में एक प्रतिमा लगवाई गई थी वर्षों पूर्व, वो पूरी प्रतिमा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में लगने वाली मातोश्री रमाबाई की जो पूरी प्रतिमा है, जिसको हम लाइफ साइज कहते हैं, वो पुणे में ही आज उसका उद्घाटन हुआ है। भौतिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिमा 9 फीट ऊंची है, लेकिन जिस महान विभूति की ये प्रतिमा है उसके व्यक्तित्व की ऊंचाई और महानता की कोई सीमा नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि मातोश्री रमाबाई जी ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असाधारण जीवन यात्रा में, मैं असाधारण इसलिए कहता हूँ कि जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी असाधारण और संघर्षशील बाबा साहब की जीवन यात्रा थी, और उस जीवन यात्रा में उनकी अर्धांगिनी के रूप में कदम से कदम मिलाते हुए उनको हमेशा ताकत प्रदान करती रही। महज 9 वर्ष की आयु में रमाबाई का विवाह हुआ, जब डॉक्टर आम्बेडकर की उम्र केवल 14 वर्ष की थी। बाबा साहब प्यार से उन्हें रामू कहते थे, आप सब लोग उन्हें रमाई कहते हैं, और रमाबाई उन्हें बाबा साहब को साहब कहती थी। मात्र 37 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम अल्पायु कह सकते हैं, अल्पायु में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को उनकी महान जीवन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार करके उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और अपनी भूमिका निभाई, लेकिन वे इतना कुछ इसलिए भी कर पाए कि मातोश्री रमाबाई ने उनको हर कदम पर पूरा साथ दिया और उनका हौसला बनाए रखा। जीवन साथी के रूप में रमाबाई के अमूल्य योगदान को व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने एक बार कहा था कि एक साधारण भीमान नामक व्यक्ति से डॉक्टर आम्बेडकर जैसा सुशिक्षित व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा मातोश्री रमाबाई के कारण ही संभव हो सकी है। अर्थात डॉक्टर आम्बेडकर ने उनकी जो व्यक्तित्व की ऊंचाई थी उसके लिए उन्होंने जो पूरा पूरा श्रेय दिया था वो मातोश्री रमाबाई को दिया था। रमाबाई के निर्णायक योगदान के बल पर ही डॉक्टर आम्बेडकर अपनी क्षमता का समुचित उपयोग करने में सफल हो सके। अंग्रेजी की लोकप्रिय एक कहावत भी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वीमेन। बाबा साहब और मातोश्री रमाबाई पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भीमराव अंबेडकर को यदि मातोश्री का निरंतर सहयोग न मिला होता तो संभवतः वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना बन पाते। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि एक विशाल और मजबूत भवन शक्तिशाली आधारशिला पर टिक पाता है। भवन की विशालता और भव्यता दिखाई देती है, लेकिन नींव का पत्थर नहीं दिखाई देता। समाज और राष्ट्र के लिए अनेक क्षेत्रों में उनके अतुलनीय योगदान के विषय में जानकारी भी बढ़ी और जागृति भी बढ़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विराट व्यक्तित्व का पूरी दुनिया सम्मान करती है। इसी 5 मई को अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स
एमहर्स्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर एक चेयर की स्थापना की जा रही है। पिछले नवंबर के महीने में कनाडा के 3 विश्वविद्यालयों में अंबेडकर स्मृति व्याख्यान आयोजित किए गए थे। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही योगदान था। ये मैंने उदाहरण केवल भारत के बाहर के दिए हैं। भारत में तो प्रत्येक दिन बाबा साहब के व्यक्तित्व के ऊपर व्याख्यान मालाएं भी होती हैं और उनके चरित्र पर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। सचमुच में ये कहा जा सकता है कि अगर बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व की तुलना एक विशाल इमारत से की जा सकती है तो निश्चय ही मातोश्री रमाबाई उस भवन की आधारशिला थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान और वो पुस्तक उन्होंने मातोश्री को समर्पित की थी। पुस्तक समर्पित करते हुए बाबा साहब ने जो वाक्य लिखा था उसके प्रत्येक शब्द का मैं यहाँ पर आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब के हृदय में मातोश्री के प्रति कितना सम्मान था। कोट अंग्रेजी में था, इंस्क्राइब्ड टू द मेमोरी ऑफ रामू एज अ टोकन ऑफ माई अप्रिसिएशन ऑफ हर गुडनेस ऑफ हार्ट हर नोबिलिटी ऑफ माइंड एंड हर प्योरिटी ऑफ करेक्टर एंड ऑल्सो फॉर द कूल फोर्टीट्यूड एंड रेडीनेस टू सफर अलॉन्ग विद मी विच सी शोड इन दोज फ्रेंडलेस डेज ऑफ वांट एंड वॉरियर्स विच फेल टू अवर लॉट अनकोट। इस तरह बाबा साहब ने मातोश्री के हृदय की उदारता, विचारों की महानता, चरित्र की निर्मलता के साथ साथ उनके शांतिपूर्ण साहस और चुनौतियों को साझा करने में तत्परता के लिए उनकी सराहना की थी। बाबा साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि मातोश्री ने चिंताओं और परेशानियों से भरे उस कठिन दौर में उनका साथ दिया था जब उन दोनों का साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं था। मातोश्री रमाबाई सही मायनों में बाबा साहब की सह धर्मिणी थी। जिस तरह रथ के दोनों पहियों का सामंजस्य उसे सही दिशा में ले जाता है वैसे ही रमाबाई और बाबा साहब अपने दाम्पत्य जीवन के जरिए समाज और देश के लिए आगे बढ़ते रहे। मातोश्री ने स्वयं भी अस्पृश्यता निवारण और सामाजिक समानता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया था। उनका आदर्श सबके लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय नारी के लिए अनुकरणीय है। बाबा साहब और मातोश्री के बीच गहरा सम्मान और अगाध प्रेम था। उस दंपत्ति ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री के निधन का आघात भी सहन किया। वे एक दूसरे को सहारा देते रहे। उन्होंने बाबा साहब को उनके महान कार्यों के लिए हमेशा उचित वातावरण प्रदान किया। अपनी बीमारी के बावजूद मातोश्री ने सदैव प्रयास किया कि किसी भी कारण से बाबा साहब के अध्ययन या किसी भी काम में कोई रुकावट पैदा ना हो। बाबा साहब के जीवन के आरंभिक दिनों में रमाबाई का उन पर जो प्रभाव पड़ा शायद उसी का ये परिणाम था कि बाबा साहब हमेशा महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहे। और शायद यही बात थी कि बाबा साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी की थी जब वो हिंदू कोड बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया करना चाहा था लेकिन कर नहीं पाए थे। जिस हिंदू कोड बिल में उन्होंने यही कहा था कि हमारे इस देश की जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान में आरंभ से ही मताधिकार समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। देश के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ये समानता महिलाओं को लंबे समय के बाद ही मिल पाई। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ
इंग्लैंड, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका, वहाँ पर शुरुआती दौर में जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे महिलाओं के लिए समान भागीदारी की उसमें प्रावधान नहीं था, ये केवल भारतीय संविधान में ही इसका प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बाबा साहब समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर के रूप में अपना योगदान देते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गिनती हमारे प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में होती है। उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं योगदान में निर्णायक भूमिका निभाने वाली मातोश्री रमाबाई के सम्मान में सभी देशवासियों की ओर से मैं उन्हें नमन करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।